आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। संतन प्यारी प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर उत्तर और भोजोडी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दक्षिण इजरी नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध भैरवनाथ धाम न सिर्फ अपने प्राचीन मंदिर के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ एक चमत्कारी तालाब भी है, जिसके पानी से स्नान करने पर कई बीमारियों के दूर हो जाने की मान्यता रही है। मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में निकटवर्ती इजरी नदी में ग्रामीण बाढ़ में बहकर आए लकड़ियों का सिल्ली को नदी से उठा रहे थे। इसी क्रम में रेत के नीचे भैरवनाथ की शिला मूर्ति दिखाई दी। ग्रामीणों ने तत्काल बैलगाड़ी मंगाकर इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए निकटवर्ती पोलकेरी गांव ले जाने का प्रयास किया, परंतु मूर्ति को लादने के साथ ही बैलगाड़ी टूट गई। जितनी भी बैलगाड़ियां लाई गईं, सभी टूटती गईं। अंत में मूर्ति को नदी में ही छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद पोलकेरी में ठाकुर परिवार के पूर्वजों को सपने में भैरवनाथ ने मूर्ति को कंधे पर उठाकर निकटवर्ती गुप्त गंगा के समीप स्थापित करने का निर्देश मिला। इसी प्रकार मूर्ति को स्थापित कर पूजा अर्चना की जाने लगी। बताया जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पहुँचे थे। काफ़ी दूर पैदल चलकर पांडवों के साथ यहाँ पहुँची माता कुंती को प्यास लगी। आसपास जल स्रोत ना पाकर धनुर्धर अर्जुन ने तीर से पृथ्वी को भेद कर पानी की धार निकाली, जिससे माता की प्यास बुझी। उसी समय से इसे छोटे से कुंड रूपी गुप्त गंगा से निरंतर एक समान जल का प्रवाह होता रहता है। भैरवनाथ धाम के पुजारी कंचन बाबा ने बताया कि जिसके पानी से स्नान करने पर कई बीमारियों के दूर हो जाने की मान्यता रही है। चंदन क्यारी के आसपास जहां कहीं किसी बच्चे का जन्म होता है, तो इस तालाब के अमृत जल से नहलाया जाता है। ऐसा करने से बच्चों को कोई बीमारी नहीं होती है। तालाब के अंदर दो पत्थर के चाक लगे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने उस तालाब के पानी को दामोदर नदी तक पहुँचाने के लिए लगाया था। आज भी यह चाक तालाब में देखे जा सकते हैं। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। भैरव धाम के बारे कुछ बताइए। भैरव धाम काफी पुराना और अपने पूर्वजों से सुना सुनाया कहानी है। बहुत ही पुराना इनका अस्तित्व है और बाबा भैरव हमारे इस झारखंड के भोजोडी बोकारो स्थल चंदनकारी प्रखंड के एक महत्वपूर्ण और दर्शनीय स्थान है, जो कि काफ़ी पुरातत्व भी है और यहाँ का जैसा वैदिक परंपरा है उनके अनुसार यहाँ एक कुंड है जो पूर्वजों से सुना गया है कि आप रूपी है। और इस कुंड की अद्भुत महिमा है जो पीछे आप देख रहे होंगे। यहाँ पर 12 महीना पानी एक जैसा ही रहता है, गर्मी वर्षा ठंडा हर समय एक जैसा ही, और तापमान भी एक जैसा होता है। और इतना शुद्ध यहाँ के जल है, यहाँ के ग्रामीण इससे लाभान्वित है। बहुत सारे ग्राम यानी कि 10-12 ग्राम यहाँ के लोग पानी लेके जाते हैं। और यहाँ एक भैरव बाबा है जो अति प्राचीन है और इसकी परंपरा वैदिक परंपरा से पूजा पाठ होते आ रहा है। विगत 19-20 सालों से मैं यहाँ आता हूँ और काफ़ी मनोरम दृश्य है। अभी थोड़ा अभाव के कारण यहाँ के कुछ लोगों की इस कारण से यहाँ का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है ठीक से, लेकिन मुझे लगता है कि अभी की जो सरकार है वो कुछ यहाँ काम वाम करवाए हैं। बहुत ही अच्छा काम हुआ है, ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे काम वाम हुआ है। यहाँ के लोग इस मंदिर की परिस्थिति से बहुत गर्वित महसूस करते हैं और काफ़ी ही अच्छा मनोरम स्थल भी है। और सामने में इजरी नदी और भी सुंदरता को चार चांद लगाता है। मैं आज बहुत सालों से यहाँ आना जाना करता हूँ, यहाँ के मनोरम दृश्य का आनंद लेता हूँ। मैं लगभग आता ही हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है
और ये बोकारो का एक गौरव की बात है कि यहाँ एक ऐसा भैरव धाम स्थान है जो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और काफ़ी ग्रामीण इस जगह से और अपनी मनोवांछनाएँ पूर्ण करते हैं बाबा भैरव धाम से। बस आने के बाद कैसा महसूस होता है? बहुत ही सुंदर फील होता है, क्योंकि एक देवस्थान है और देवस्थान जहाँ आने के बाद एनर्जी परिवर्तन होता है, इनर प्यूरिफिकेशन कोई चाहे तो यहाँ बैठकर कर सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही मनोरम दृश्य है। आपका शुभ नाम? अजय चौधरी। भैरव धाम के बारे कुछ बताइए। भैरव धाम ये तो बहुत पुराना जगह है, आज का नहीं है, महाभारत काल से है स्टार्ट। तो द्वापर में अज्ञातवास में पांचों पांडव यहाँ आए थे, उसी समय जब अर्जुन तीर मारे हैं कुंती का जो प्यास लगा, और ये गुप्त गंगा बह रहा है और उसी कुंड में से देवी देवता सब प्रकट हुए हैं। बाबा भैरव इजरी नदी बोल की जो नदी है, नदी के ऊपर में जुड़िया में ऐसे पलटे हुए थे। वो राजा लोगों का समय, राजा का राज था उस समय। हमारा पूर्वज जैसे ब्राह्मण, उनको स्वप्न मिला, उस समय ले आ करके यहाँ स्थापित किए, तब ऐसे पूजा पाठ यहाँ चल रहा है और यहाँ प्रोग्राम भी होता है, बड़ा बड़ा मेला भी लगा है यहाँ। 2016 से सरकारी मेला लगा है, सालाना मेला तो यहाँ का बस 4 बार होता ही है आपका साल में। कब से पूजा करते हुए आ रहे हैं हम लोग? जी हम लोग तो परंपरा 5-7 पीढ़ी। कितनी पीढ़ी हो गई? 5-7 पीढ़ी। और इसके बारे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर होता है यहाँ भीड़ भाड़ तो बहुत होता है। ये कुंड के पानी के बारे बताइए। कुंड के पानी, इसमें ये कुंड के पानी से आपका पेट का बीमारी गैस्ट्रिक वगैरह अच्छा होता है, पानी बहुत दूर तक आदमी ले जाता है, गांव वाला भी बस्ती वाला सब दिन भर पानी सब ले जाते हैं गांव वाला लोग, पेट का बीमारी गैस्ट्रिक वगैरह ये सब ठीक हो जाता है, पीड़ा नहीं होता है। गंगा जी है ना,